सुबह धड़क कामगार यूनियन ने अपना मेलावा आयोजित किया था और विशेषतः दक्षिण भारतीय उनके जो कार्यकर्ता है उनको इकट्ठा किया था और इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गोपी जी आए थे। और ये चुनाव में दक्षिण भारतीय समाज का बीजेपी की तरफ झुकाव वो यहाँ पे समझ में आ रहा है। गत कई सालों से बीजेपी के वोटर्स साउथ इंडिया में बड़ी तादाद में मल्टीपल्स में बढ़ रहे हैं और वही चीज़ यहाँ पर भी देखी जा रही है। मलाड में भी करीबन 35 से 40 हज़ार साउथ इंडियन वोटर्स हैं और उसमें ज़्यादा तमिल समाज के हैं। आपने देखा होगा जो उत्साह हमारे साउथ इंडियन वोटर्स में है वो देख के यह तय हो चुका है कि मलाड में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन की लहर देश के हर कोने में रहने वाले हर सेक्टर में रहने वाले लोगों तक पहुंची है। आने वाले दो दिन में क्या करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का मार्गदर्शन उपस्थित नेताओं ने आज के कार्यक्रम में बहुत ही यशस्वी रीतिया किया है। कई सारे जो नेता हैं या कई सारे लोग हैं वो बदगलने काम कर रहे हैं कि इस तरह का काम नहीं हुआ है, ये चीज़ें नहीं हुई, वो चीज़ें नहीं हुई है, ऐसे लोगों का विरोधियों क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए ये तो बात सही है ना, मलाड में विकास के काम तो हुए ही नहीं है और ये आंखों से दिखता है। आप जाइए राठौड़ी जाइए, खारोड़ी जाइए, अम्बुजवाड़ी जाइए, मालवनी जाइए, आप देखिए वहाँ कहाँ रास्ता बचा है, कहाँ पानी घर घर तक पहुँचा है, कचरे के ढेर रोड पे लगे हैं। बुनियादी सुविधा से आम आदमी बहुत दूर है और वो बुनियादी सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, इसके लिए स्थानीय कांग्रेसी विधायक और नगर सेवक इनका निष्क्रिय रवैया इन लोगों की समस्या तक लेके आया है। सिर्फ समाज विघातक चीज़ों पे ध्यान देना और आम वोटर को टिकट ग्रांटेड लेना, यही विधायक असलम शेख की नीति रही है, जिसके कारण लोग उनको अभी बाय बाय करने के मूड में आ चुके हैं। आज धड़क कामगार यूनियन महासंघ से जुड़े हुए लगभग 200 से अधिक पश्चिम भारतीय उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय महिलाएं, हमारे युवा, हमारे ज्येष्ठ नागरिक, सभी लोग पूरी तरीके से विनोद शिलार जी को समर्थन देने, उनके लिए काम करने और उनको जिताने के लिए यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी आज एक परिसंवाद सभा थी जहाँ पर केंद्रीय मंत्री सन्मानित सुरेश गोपी जी ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, पूरी तरीके से विनोद जी को पूरी ताकत से समर्थन दिया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को आप सबको कमल पे वोट देना है, हमें विनोद जी को जिताना है। ऑलरेडी विनोद जी जीत के रथ पर बैठ चुके हैं। धन्यवाद। मलाड विधानसभा कचरा साफ करना है, माननीय विनोद सेलर जी को लाना है और सबसे बड़ी मलाड की जो दिक्कत है वो ड्रग है। आज आप देखेंगे मलाड के गली गली में ड्रग माफियाओं का राज है। आज आप देखेंगे कि गली गली में घर बनवाने वाले दलालों का राज है। एक गरीब इंसान, एक रिक्शा चलाने वाला, एक भाजी बेचने वाला, एक इडली बेचने वाला, एक गरीब इंसान अपने घर को नहीं बना सकता बिना यहाँ के विपक्ष कांग्रेस के नगर सेवक, कांग्रेस के आमदार को बिना दलाली दिए एक ईंट भी आप नहीं रख सकते। ये मलाड का कई सालों से इतिहास रहा है। मलाड की जनता को जागना होगा, मलाड के लोगों को जागना होगा। ये कैंडिडेट सिर्फ विनोद सेलार जी नहीं है, मलाड के विकास चाहने वाला हर नागरिक आज कैंडिडेट है। उनको यह सोच के लोगों के बीच में प्रचार करना होगा कि मैं उम्मीदवार हूँ, मैं अपने आने वाले बच्चों को नशे से बचाना चाहता हूँ, मैं अपने आने वाले बच्चों को
दलाली देने से बचाना चाहता हूं, करप्शन से बचाना चाहता हूं, क्राइम से बचाना चाहता हूं, यह मलाड की जनता को जागना होगा। तो मलाड की जनता से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाली भविष्य के लिए माननीय विनोद सेलार जी को चुनो, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करो, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का मजबूत करो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी के अंबेडकर जी के संविधान को ताकत देने का काम करो। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में यही वो कांग्रेस है जो पूरे देश में ढिंढोरा पीट रही थी, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में नहीं था, इनकी जेब खतरे में थी, इनकी तिजोरी खतरे में थी, इनकी नीयत खतरे में थी। इनको देश की जनता ने इनकी औकात दिखाई है, अब मलाड के जनता की बारी है और हमारे विनोद सेलार जी की आमदारगी की कुर्सी पर बैठने की तैयारी है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट नारायण रावण पनीकर है, मैं सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र का काउंसिल हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं झलक कामगार यूनियन का स्थापना से मैं साथ में अभिजीत राणे जी के साथ हूँ। आज मैं अखिल भारतीय राष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ और बहुत सारा इंस्टीट्यूशन में मैं जुड़ा हुआ है। मुझे ये बोलना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का साउथ इंडियन सर्कल में उपाध्यक्ष भी हूँ मुंबई का, और धड़क कामगार यूनियन एक ऐसा ताकत है आज महाराष्ट्र के अंदर, कीमत 8.5 लाख कामगार इस यूनियन में है। हमारे पास 18 रजिस्टर्ड यूनियन है और इस रजिस्टर्ड यूनियन के अंदर मैं और मेरे पूरे अभिजीत राणे साहब के साथ, मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, हम लोग एकत्र होके इस यूनियन के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मन से उनको फुल सपोर्ट करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आधार पर हम काम करते हैं। थैंक यू।